सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आपने वीडियो थंबनेल देख के चेक कर लिया होगा कि मैं आपको आज किस प्रोडक्ट से शेयर करूंगी। गाइस, ज्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जब मैं देखती थी लोगों को सीक्वेंस साड़ी में, मतलब यूट्यूब पे, तो मेरा भी बहुत ज्यादा मन करने लगा कि मैं भी सीक्वेंस साड़ी लूंगी। बेसिकली मैं साड़ी ज्यादा वेयर नहीं करती हूँ बिना कोई ओकेशन, लाइक करवा चौथ या तीज पे पहन लिया, या बहुत ज्यादा अगर किसी की शादी में अगर चली गई तो सब मेरी ब्लू साड़ी। एंड गाइस, ये बहुत सुंदर है। मैं आपको ना इस तरह से रख के दिखा सकती हूँ। सो मैं आपको देखिए ऐसे रख के दिखा रही हूँ। सो ये वेयर करने के बाद ना बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, प्लस इसकी जो क्वालिटी है ना, यू नो समथिंग लाइक ऐसा कुछ चुभ रहा हो, कुछ हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी जो अगर मैं आपको इसके ऑपोजिट साइड पे भी दिखाऊँगा तो बहुत अच्छे से ये स्टिच किया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टिचिंग की गई है। प्रोडक्ट की क्वालिटी आप देखो, बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है गाइस। मतलब आई रियली लव द प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड वेयर करने के बाद तो बहुत ही अच्छा, बहुत जैसे ना दिखने में इतना हैवी लग रहा है क्योंकि पूरा सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस है, बट वेयर करने के बाद ये इतना सुंदर। एंड स्पेशली जब मैं इसे प्रॉपर उस गेटअप में प्रॉपर वो ब्लाउज पहन के ना, तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट करने वाला है। एंड पूरे साड़ी में आपको इस तरह की वर्क मिलेगी। ये नहीं कि हाफ ऑफ दी साड़ी में आपको मिल रही है, नहीं, पूरे साड़ी में आपको इस तरह की प्रॉपर वर्क मिलेगी। बस जहाँ पे आपका जो टकिन अप करते हैं अंदर, यहाँ से आपका इस तरह का रहेगा। बस यहाँ पे मुझे इसका फॉल्स भी को करवाना है। सो यहाँ तक बस जो आप सिर्फ अंदर से जो टक करते हैं ना, ताकि यहाँ पे ना चुभे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे प्लेन जो है शिफॉन का ये रखा है। बाकी ये साड़ी बहुत प्यारी है, और इसके साथ उन्होंने एक ब्लाउज पीस दिया था बैंगलोरी सिल्क करके। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ब्लाउज़ पीस कुछ खास नहीं लगा है। ये इसकी ब्लाउज़ पीस है, और आप देख पा रहे हैं इसकी ब्लाउज़ पीस है, और ब्लाउज़ पीस का जो लेंथ है ना वो भी ठीक ठाक है। मतलब हम फुल स्लीव ब्लाउज़ या हाफ स्लीव ब्लाउज़ पहनेंगे, तो गाइस मैं हाफ स्लीव के लिए तो बिल्कुल आप लोगों को मना करूंगी, क्योंकि हाफ स्लीव के साथ ना ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं जचेगी गाइस। अगर आप फुल स्लीव ट्राई कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक अगर आप क्वार्टर स्लीव ट्राई कर सकते हैं, बट दैट टू आपका नेक थोड़ा सा डीप हो। मतलब इस तरह की साड़ी को वेयर करने के लिए ना, अगर आप थोड़ा सा स्लीवलेस पहने तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ओवरऑल ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, और लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इसे इंस्टाग्राम स्टोर से लिया है, तो मुझे इसका लिंक, प्रोडक्ट का लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी। स्टोर का नाम और स्टोर का लिंक मैं जरूर शेयर कर दूँगी, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, दैट वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।